हेलो एवरीवान वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू आई होप आई एम ऑडिबल एंड विजिबल विजबली ऑल प्रॉपरली सो दिस इज़ द सेकेंड सेशन ऑन फिलर्स और आज हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं ये भी एक टाइप है सिनोनिमस पेयर्स का जिनके ऊपर आपको बैंकिंग एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन मिलते हैं और जैसे कि हमने पीछे भी सेशन्स में बात की है कि कई बार बैंकिंग के जो क्वेश्चन आते हैं उनकी डायरेक्शन देख करके आप परेशान हो जाते हो बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना सिंपल बातें होती हैं बट थोड़ी सी लेंदी होती है तो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर हमारे ऊपर क्रिएट हो जाता है तो आइए विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस और सीखते हैं कैसे करना इन क्वेश्चंस को सॉल्व तो ईच सेंटेंस वेलो हैज अ ब्लैंक इंडिकेटिंग दैट समथिंग हैज बीन नॉमिटेड बीनीथ देंटेंस फाइन लेटर्ड वर्ड्स आर सेट्स ऑफ वर्ड्स चूज द वर्ड आर सेट ऑफ वर्ड्स फॉर ईच ब्लैंक दैट बेस्ट फिट्स द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस एज अ होल तो मैं पहले आपको एक क्वेश्चन करके बताता हूँ और फिर बाकी क्वेश्चन पर आप अपना दिमाग लगाएंगे जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है देर इज वन ब्लैंक प्लेस एंड यू हैव सिक्स वर्ड्स एक्चुअली और फिर देर आर फाइव ऑप्शन और हर ऑप्शन में आपके पास पेयरिंग दे गई है यहाँ पे दी गई है वर्ड्स की तो पहले में इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल ब्रॉट आउट द बेस्ट एंड नोबेलेस्ट क्वालिटीज ऑफ मैन वर अडॉप्टेड इन द एंड इसका मतलब कि यहाँ पे दो ऐसे शब्द हैं जो कि सूटेबल होंगे इस ब्लैंक प्लेस के लिए इसीलिए हमने कहा सिनोनिमस पेयर्स का ये क्वेश्चन होता है तो कैसे करोगे आप सॉल्व इसको कौन से ऐसे दो वर्ड लग रहे हैं जो यहां पे सूटेबल है दैट वर अडॉप्टेड इन अचीविंग द एंड्स एंड अटेनिंग द एंड्स इसके अलावा कुछ और हो सकता है यानी अचीव करने का जो सेंस है वही अटेन करने का सेंस है तो यानी ये दोनों वर्ड्स जो हैं यहां पे बिल्कुल सही बैठते हैं अचीव और अटेन और डी और एफ आपको दिख रहा है सेकंड में सो सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन ओवर हियर दिस इज द अप्रोच ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन अब एक तरीका यह भी है कंज्यूमेटिंग तो uh, right? का कोई सेंस यहां पर नहीं है सो so, आपको यह देखना है कि अच्छा ए और सी कौन कौन से ऑप्शन में दे रखा है यहां ए दे रखा है और सी दोनों दे रखा है आपने एलिमिनेट कर दिया यहां आपके पास सी दे रखा है राइट right? या परफेक्टिंग द एंड्स का भी कोई सेंस नहीं है तो आपको पता अच्छा यह भी नहीं हो सकता ई e, परफेक्टिंग है यहां पे ई e दिया हुआ है इसको भी आपने एलिमिनेट कर दिया तो जो करेक्ट ऑप्शन है आप उसी के साथ लैंड करते सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड यू विल अप्लाई योर लर्निंग ओवर हियर जो पिछले क्वेश्चन में आपने सीखा है वो अप्लाई करें क्या लग रहा है यहां पे किसके साथ जाने वाले हो आप अकिनेनी नागेश्वरा राव माइट हैव 90 बट द ट्विंकल इन इज आइज इज यंग एज एवर ज्वायस लॉफिंग मेरी ग्लैड सनी एंड एयरी वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्विंकल इन हिज आइज अब ट्विंकल के पहले किस तरह के एडजेक्टिव चाहिए दो तीन बातें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है एक तो कॉन्टेक्स्ट जिसके बेसिस पे आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो और दूसरे जो आपके ग्रामेटिकल हेल्पर्स हैं उनकी मदद हमें ज़रूर लेनी है हमेशा ये फिगर आउट करने की कोशिश करो आप कि ब्लैंक प्लेस में हमें किस ग्रामेटिकल प्रोफाइल की ज़रूरत है ठीक है तो वहां पे हमें एक एडजेक्टिव की जरूरत है अब आप ये भी कह सकते हो सर द लगा हुआ है द तो आर्टिकल है आर्टिकल तो नाउन के पहले लगता है तो भाई आर्टिकल जो है वो नाउन और नाउन फ्रेज दोनों के पहले लगता है ये जो ट्विंकल लिखा है ये नाउन है इसके पहले एक एडजेक्टिव आएगा एडजेक्टिव प्लस नाउन मिलके बन जाता है नाउन फ्रेज करेक्ट ऑप्शन किसके साथ जा रहे हैं शौकत अब देखो यहां पे भी एलिमिनेट करने का तरीका आप अपना सकते हो हम आंखों की बात कर रहे हैं तो यहां पे एयरी का कोई कॉन्टेक्स नहीं है सनी का कोई कॉन्टेक्स नहीं है राइट द लाफिंग ट्विंकल इसका कोई कॉन्टेक्स नहीं यानी आप ये देखोगे कि बी ई e और एफ कहां कहां पर है B यहाँ पे इसको एलिमिनेट कर दिया F यहाँ पे है इसको एलिमिनेट कर दिया E यहाँ पे है आपने इसको एलिमिनेट कर दिया राइट right? B इधर भी आपको दिख रहा है आपने इसको भी एलिमिनेट कर दिया यानी आपने कॉन्टेक्स्ट की समझ अप्लाई की कि यहाँ पे आंखों में चमक की बात हो रही है और वो चमक खुशी वाली चमक है तो वहां लॉफिंग का और सनी का और एरी का कुछ लेना देना नहीं यानी इन ऑल दोज ऑप्शन जहाँ पे भी आपको ये वर्ड दिखाई देते हैं यू कैन ईजिली एलिमिनेट दोज दो एंड यू विल गेट द करेक्ट आंसर easily. तो यहां पे आपने वही बात है कि आर्ट ऑफ एलिमिनेशन अप्लाई करनी है नहीं तो आप एक साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ सकते हो यार छः वर्ड हैं दो वर्ड वहाँ पे सूटेबल करने हैं उन दो दो के पांच कॉम्बिनेशन दिए मैं कैसे चूज करूंगा अगर आपको अप्रोच नहीं पता तो क्वेश्चन आपके लिए टाइम तो टेकिंग हो सकता है और वहीं अप्रोच पता है अंग्रेजी की बेसिक समझ आपको अप्लाई करनी है कॉन्टेक्स देख लो कौन सा वर्ड कॉन्टेक्सट में नहीं सूट होने वाला वो जहाँ भी ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है वो एक ही लेटर तो चाहिए दूसरे की तो जरूरत ही नहीं है हमें आप एलिमिनेट कर दोगे फटाफट आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट इसमें किसके साथ जा रहे हो आप थैंक्स टू टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन आई केयर डॉक्टर्स आर नॉट ओनली इनिशिएटिंग बेटर मेडिकल बट ऑल्सो हेल्पिंग टू a अ प्रोग्रेसिव डिजीज वेरी अर्ली इन लाइफ मेडिकल क्योर्स रेड्रेसेस supports remedies रेमेडीज अब देखो यहां पर आपका मन ललचाएगा कि यार वी आर टॉकिंग अबाउट मेडिकल देन वी शुड गो विद ए बट ए तो किसी में दिया ही नहीं ऑप्शन में तो आपका काम वैसे ही खत्म है ठीक है एलेक्जर्स का भी कोई लेना देना नहीं है इसमें नेक्टर एलिगजर हैं जो आपको एमॉटल बना दे अब रिड्रेसेज uh, जैसे आप होता है ना कि ग्रीवेंस uh, का रिड्रेसल मैकेनिज्म आपकी जो दुख समस्याएं है, परेशानियां हैं उसको रिड्रेस करना ग्रीवेंस को रिड्रेस करना यहाँ हम मेडिकल कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो uh, वहाँ पे रिड्रेसेज भी सही नहीं है अब आप खुद ही देख लीजिए आपके पास सी uh, नहीं हो सकता बी नहीं हो सकता ए नहीं हो सकता ए ऑप्शन में दिया ही नहीं है सी यहाँ पर दे रखा है सी यहां दे रखा है और बी यहां दे रखा है अब नाउ द फाइट इज बिटवीन थर्ड एंड फिफ्थ ऑप्शन और ये फायदा होता है आपको डी एंड एफ एंड ई एंड एफ तो भाई हम मेडिकल रेमेडीज की बात करते हैं उपचार की बात करते हैं सपोर्ट सिस्टम इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टूगेदर और फिक्सड जो वर्ड है ना इसका मतलब भी आपकी दवाओं का डोज होता है देखो अब ये बड़ा प्यारा शब्द है फिक्स आप कितने तरीकों से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं ये होमोनीम वाली कैटेगरी के अंदर आता है जैसे आप कहो कि फिक्स माई मोबाइल फोन और फिक्स माई कार काइंडली फिक्स कार अगर आप किसी को यह कह रहे हो इसका मतलब कि आपकी कार खराब हो गई और आप उसको रिपेयर करने की बात कर रहे हैं सो काइंडली फिक्स माई कार वही फिक्स का और क्या मतलब पॉसिबल हो अगर कोई ये कह रहा है कि आई एम इन फिक्स या आई एम इन ए सीचुएशन ऑफ फिक्स या आई एम इन फिक्स सिंपल इतना भी कहते तो इसका मतलब कि वो इंसान कंफ्यूज स्टेट में है वो कंफ्यूजन में है ठीक है और डिन टेक हिज डेली फिक्स अब अगर आप इस तरह से सेंटेंस में यूज कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि उन्होंने अपनी रोज की दवाएं नहीं ली तो यहां पर ड्रग्स के केस में मेडिसिन के केस में भी इसका इस्तेमाल होता है तो ई एंड एफ इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन आउट ऑफ द गिवेन च्वाइसेस नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन For the first time in its history, on October 20th, Indonesia will the transfer of power from one popularly elected president to another. What do you think? Indonesia will. अब जैसे मैंने कहा grammatical helper, तो will के बाद क्या आना चाहिए? verb की first form आनी चाहिए. अब आप खुद देख लो. यहाँ पे सभी के सभी वर्ब आपकी फर्स्ट फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं क्या सारे वर्ड्स तो बिल्कुल बी होल्ड विटनेस गॉक सी अटेस्ट स्पाई ऑन गॉक करने का मतलब किसी को घूरना होता है तो क्या लग रहा है इंडोनेशिया देखेगा इस बात का साक्षी बनेगा विटनेस एंड सी यानी बी एंड डी दैट इज द करेक्ट ऑप्शन चॉइस बाकी के सारे के सारे आप आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं बिहोल्ड का कोई कॉन्टेक्स्ट यहां पे नहीं है ना तो गॉक का है विटनेस uh, पे था, एफ अगेन स्पाई की की बात है ना, की बात है है ना तो आप इन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं अलग अलग तरह की पे आपको शो करता रहूंगा जो कि प्री और मेन्स दोनों में आपके लिए सहूलियत देगी हाँ जी आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ स्केल किसके साथ जाने वाले हो आप टू के बाद डेफिनेटली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी एंड इफ यू गो बाय द ग्रामेटिकल प्रोफाइल ऑल ऑल द सिक्स चॉइसेस गिवन ओवर हियर ऑफ देम आर वर्ब्स ओनली यू जस्ट नीड टू अप्लाई योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्टेक्स्ट वो ज्ञान आप अप्लाई करके आसानी से यहां पे बता सकते हैं सो प्लांट्स टू वॉट अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल कॉम्प्लेस इकोनॉमीज ऑफ स्केल अप्रिशिएट अप्रीहेंड रिकोगनाइज एंड इमेजिन वॉट डू यू थिंक Which option will you go with? Achieve and accomplish. Achieve and accomplish, that's the correct choice over here, the first one. Because they have the similar sense. Achieve karna ya, accomplish ka bhi hota, hai, achieving something successfully. राइट देर इज वन कंफ्यूजिंग वर्ड विद दिस दैट इज अकॉम्प्लिश पी एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड अकॉम्प्लिस इज एक्चुअली अ हेल्पिंग हैंड इन एनी क्रिमिनल एक्टिविटी किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में एक होता है उसका बॉस जो सारा प्लान बनाता है और बाकी की जो टीम होती है वो उस प्लान को एग्जीक्यूट करती है तो जो हेल्पिंग हैंड्स हैं जो एग्जीक्यूशन करने में मददगार हैं उनको हम अकॉम्प्लिश बोलते हैं तो ये नाउन है और ये वर्ब है बाकी किसी भी शब्द का कोई कॉन्टेक्स्ट यहां पे नहीं है सो ए एंड बी दैट्स द करेक्ट चॉइस इवन द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब अकॉम्पलिश आपको पता है पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल हम किसके लिए करते हैं एडजेक्टिव के तौर पे करते हैं जैसे आप अकॉम्प्लिस्ड ऑथर शब्द अगर किसी के लिए इस्तेमाल करते हो मीन्स वॉट दैट पर्सन हैज अचीव्ड अ लॉट इन हिज रिस्पेक्टिव फील्ड तो कोई ऑथर है बहुत अचीव किया उसने अपनी जिंदगी में तो हम ये एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं एक्टर के लिए कर सकते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑप्शन विल यू गो विद रूरल लाइफ इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैज बीन फॉर सेंचुरीज ऑन एंड नथिंग वर्थ वाइल हैज बीन डन टू इंप्रूव द ग्रिम्स कंडीशन ऑफ द रूरल पॉपुलेशन विच इज ओनली स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम देअर क्वाड्रूब्ड काउंटर पार्ट राइट तो यहां पर अब सबसे पहले आपको यह पूछना है कि भाई कॉन्टेक्स तो खैर आपको समझ आ रहा है यहां कॉनोटेशन मुझे बताओ आप वॉट काइंड ऑफ वर्ड इज रिक्वायर्ड इन द ब्लैंक प्लेस पॉजिटिव और नेगेटिव वॉट डू यू थिंक पॉजिटिव शब्द चाहिए या नेगेटिव चाहिए क्या लगता है आपको और एक छोटी सी बात और यहां पे आपने ध्यान में रखनी है कि जब हमारे पास जो सेकेंड सेंटेंस है दैट इज कंप्लीटली रिटर्न एंड द ब्लैंक प्लेस लाइज इन द फर्स्ट सेंटेंस मीन्स वॉट ट यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द सेकंड सेंटेंस बिकॉज वो कंप्लीटली दिया हुआ है वो कंप्लीट सेंटेंस है सो यू कैन रीड आउट द सेकंड सेंटेंस ट्राई टू गेट द कॉन्टेक्सट एंड मीनिंग एंड उसके बेसिस पे आप फर्स्ट में करेक्ट वर्ड चूज कर सकते हैं तो मुझे लगता है तो कोई मुश्किल नहीं है यहां पर करेक्ट ऑप्शन इज वॉट करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वॉट वी नीड अ नेगेटिव वर्ड ठीक है वी नीड अ नेगेटिव वर्ड आउट हेयर नेगेटिव वर्ड की यहां पे हमें ज़रूरत है और uh, अब आप देखिए ब्लॉसमिंग इज पॉजिटिव इंस्पायरिंग इज़ पॉजिटिव एंड फ्लरिशिंग इज पॉजिटिव हाउ इजी दिस क्वेश्चन इज कितना आसान है ये ब्लॉसमिंग पॉजिटिव है इंस्पायरिंग पॉजिटिव है फ्लरिशिंग पॉजिटिव है यानी ए डी ई -E, जहां जहां पे ये तीनों वर्ड दिए गए एलिमिनेट दो ऑप्शन च्वाइस सो यू सी ए यहां पे दिया हुआ है डी इज गिवन इन विच ऑप्शन इन द फोर्थ ऑप्शन एंड E is given over here, right? E is also given over here. अब आप देने देखा, simply elimination technique से आप correct option पे पहुंच गए. Third is the correct option, C and F. यानी जो ग्रामीण जीवन या third world countries का, वो या तो uh, stagnated है जहां था वैसे ही है, या उसमें गिरावट आई है. कुछ भी ढंग का नहीं हुआ ग्रिम कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए उस रूरल पॉपुलेशन के जो कि सिर्फ अपने जानवरों से थोड़े बेहतर हैं क्वाड का मतलब आपको पता है फोर होता है तो क्वाड काउंटर पार्ट का मतलब कि भाई इंसानों के साथ दूसरी प्रजाति कौन है जानवरों की है यानी जानवरों से थोड़ी बेहतर हालात उन लोगों की है लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों के साथ कुछ बेहतर नहीं हुआ तो ये टेक्निक्स लगा करके आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट ऑप्शन वी हैव ऑलरेडी ऑल आवर ट्रडिशनल रिसोर्सेज नाउ वी हैव टू गो इन सर्च ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी अगेन इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि द सेकेंड सेंटेंस इज कंप्लीटली गिवेन सो यू कैन टेक हिंट फ्रॉम द सेकेंड सेंटेंस फॉर द फर्स्ट सेंटेंस जहां पर आपको सही शब्द चूज करना है तो हमने अपने ट्रेडिशनल रिसोर्सेज को समाप्ति कर दिया है ना तभी तो हमें जाने की जरूरत है अब नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ और ट्रेडिशनल रिसोर्सेज को खत्म करने के लिए हमारे पास कौन सा शब्द है एग्जॉस्ट कर देना या ड्रेन कर देना ये दो हैं और साफ साफ आपको नजर आ रहा है सी एंड एफ इज गिवन इन द थर्ड ऑप्शन वैसे एलिमिनेशन टेक्निक से भी कर सकते थे यहाँ निगलेक्ट करने की कोई बात है नहीं हम पूरी खपत कर गए अपने ट्रेडिशनल रिसोर्सेज की निगलेक्ट नहीं किया हमने सो so, और ना तो रिवोक का कॉन्टेक्स्ट है और ना तो अडल्ट्रेट करने का यहाँ पे कोई कॉन्टेक्स्ट अडल्ट्रेट करने का मतलब मिलावट करना होता है ए बी डी ई कुछ भी आप एलिमिनेशन टेक्निक से भी आसानी से क्वेश्चन को कर सकते थे कि भाई बाकी कुछ होने वाला नहीं है और यहां पे वही है कि हमने अपने ट्रेडिशनल रिसोर्सेज को समाप्त कर दिया है नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन वॉट डू यू से आईटीसी लिमिटेड हेज टेकन ओवर बैंग्लोर बेस्ड बालन नेचुरल फूड्स एंड नैचुरल जूस ब्रांड फॉर अबाउट रूपीज हंड्रेड करोर दिस इज दंपनीज फर्स्ट मेजर इन द फूड सेगमेंट सिंसेंटर्ड दिस बिजनेस इन टू थाउजेंड वन तो यहां पर अब आप किसके साथ जा रहे हैं अगेन सेम कहानी ब्लैंक प्लेस सेकेंड सेंटेंस में फर्स्ट सेंटेंस इज कम्प्लीटली गिवेन सो यू कैन ड्रॉ सम हिंट फ्रॉम द फर्स्ट गिवेन सेंटेंस आई थिंक दिस मच टाइम इज मोर देन सफिशियंट सो जब हम बात करते हैं कॉपोरेट्स की और एक कंपनी बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को क्या कर लेती है अक्वायर कर लेती है इवन ये जार्गन भी इस्तेमाल होता है एम एंड ए मर्जर एंड एक्विडिशन तो एक्विडिशन एंड अक्वायर सिमिलर सेंस रखते हैं ए और एफ जो है दैट्स द करेक्ट ऑप्शन चॉइस ओवर हेयर ए एंड एफ राइट वेरी गुड शौकत नेक्स्ट वन

प्लंज सर्ज पीक स्पाइक अगर आप देखें यहां पे, तो ऊपर तो 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 उठे हुए होते हैं वहां से रिलेट करके याद रख सकते हो सो यानी बी सी एंड ई ये तो तीनों नहीं होने वाले तो बी यहां दिख रहा है गायब कर दिया इसको राइट right, यहां बी और सी दोनों दिख रहे हैं गायब कर दिया यहां सी और ई e देख रहे हैं आपने इसको गायब कर दिया नाउ द फाइट इज बिटवीन ए फर्स्ट ऑप्शन एंड फिफ्थ ऑप्शन यहाँ आपको ए एंड एफ दिख रहा है और इधर डी एंड एफ दिख रहा है तो कोई भी चीज जो है वो जो प्लज करती क्योंकि गैलअप का अगेन कोई कॉन्टेक्स नहीं है गैलअप का मतलब होता है जैसे जो भी जैसे घोड़ों की आप बात कर लो आ, तो कोई भी जो मतलब चार पैर वाले जानवर हैं जब वो तेजी से दौड़ते हैं तो उसके लिए gallop शब्द का इस्तेमाल होता है तो वो तो खैर लिटरल सेंस हो गया एंड इवन इफ यू आर स्पीकिंग इन अ फ्लुएंट मैनर एंड बहुत तेजी से आप बोल रहे हैं स्पीड बहुत है बोलने की तो उसके लिए भी हम गैलप शब्द का इस्तेमाल करते हैं लाइक द काइंड ऑफ वेट यू आर सपोज टू गिव टू अ पर्टिकुलर वर्ड वो आप नहीं दे पा रहे बिकॉज यू आर वेरी फ्लुएंट तो खैर इसका भी अगेन कोई कॉन्टेक्सट नहीं है तो प्लन्ज का मतलब भी नीचे आना और फ्लॉ फॉल का मतलब भी नीचे आना तो दोनों का मतलब नीचे ही आना और यही यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन च्वाइज हैं आपके पास मार्केट प्लान टूडे जैसे आपको सुनने पढ़ने को मिलता है एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लॉट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टू बर्न डाउन अ चर्च क्या लग रहा है यानी एक चर्च को जला देने के लिए डेफिनेटली अंदर बड़ी ताकत चाहिए करेज चाहिए साहस चाहिए ताकत वो फिजिकल वाली नहीं आंतरिक ताकत की बात हो रही है यहाँ पे सो so, एक तो आपके पास करेज हो गया वो आपको बताया है कि दैट्स द राइट वर्ड आउट हिस्टर यानी जहां जहां पे एफ नहीं है पहले तो आप उसको एलिमिनेट कर दोगे तो ये ये सब समझदारी का काम है कि भाई हम पहले एलिमिनेट कर दें किस चीज के लिए बहुत करेज चाहिए साहस चाहिए अब नाउ द फाइट इज बिटवीन फर्स्ट एंड फिफ्थ अगेन किसके साथ जाओगे नर्व तभी तो हम कहते हैं नर्वस ब्रेकडाउन जब इंसान बिल्कुल डिप्रेस्ड और डिजेक्टेड फील कर रहा है सो ए एंड एफ इज द करेक्ट चॉइस ओवर हियर यहां डी का कोई मतलब नहीं है ए लॉड ऑफ इंटरेस्ट टू बर्न डाउन अ चर्च सो इंटरेस्ट का तो कोई कॉन्टेक्स्ट ही यहां पर नहीं है तो दिस ऑप्शन विल ऑल्सो बी एलिमिनेटेड सो दिस वॉज अ वेरी स्वीट क्वेश्चन टाइप ऑफ फिलर्स जिसको हम सिनोनिमस पेयर्स पे बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बैंकिंग के अंदर फिलर्स की बहुत सारी वराइटीज़ हैं uh, जबकि यूजुअल एग्जाम्स के अंदर वन ब्लैंक प्लेस या टू ब्लैंक प्लेसेस के क्वेश्चन आते हैं बट हियर दे डू लॉट्स ऑफ परमिटेशन कॉम्बिनेशन राइट लेंथ द डिरेक्शंस यू गेट एंड देन लाइक देर आर सिक्स चॉइस वर्ड्स यू हैव देन देर आर फाइव ऑप्शन ईच ऑफ द ऑप्शन हैज यू नो पेयर्स ऑफ टू टू वर्ड्स तो हमें कई बार यू you नो know, जो जिसको हम कहते हैं प्राइमर फेस देख के लग रहा होता है प्रथम दृष्टि या पहली नजर में कि क्वेश्चन आर रियली डिफिकल्ट but that is not the case. Uh, if you know the approach and how to deal with these questions, you can easily master these questions and perform fantastically well in your banking exams. so that's all for today's session. thank you very much. let's catch up on wednesday and then we'll solve some more questions on the same topic or if you want on other topics, you can write in the comment section. thank you very much, much everyone. thank you. thank you. thank you.